बिहार के बाद अब झारखंड में बड़ी सियासी हलचल शुरू हो गई है। दावा किया जा रहा है कि यहां मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने वाला है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया था कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन उनकी जगह ले सकती है और अब मौजूदा घटनाक्रम से निशिकांत दुबे के दावे को बल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल दिल्ली के ठिकाने पर रेड के बाद हेमंत सोरेन गायब हो गए थे। इसके बाद वो मंगलवार को अपने रांची स्थित आवास पर पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में उनकी पत्नी भी मौजूद दिखी। गौर करने वाली बात ये भी है कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन विधायक नहीं है, लेकिन वो बैठक में मौजूद थी। ऐसे में माना यह जा रहा है कि कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री पद संभालेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा भी किया जा रहा है कि पार्टी नेताओं का भी मानना है कि उनके पास कोई वास्तविक चुनौती नहीं है और पार्टी भी सभी लोग उन्हें स्वीकार भी करेंगे। ऐसे में आइए कल्पना सोरेन के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। कल्पना सोरेन उड़ीसा के मयूरभंज के एक व्यवसायी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनकी माँ एक होममेकर है। साल 1976 में रांची में जन्मी कल्पना ने एक निजी स्कूल में पढ़ाई की और रांची के एक सरकारी कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरी की। उन्होंने 7 फरवरी 2006 को हेमंत सोरेन से शादी की और ये जोड़ा दो बच्चों के माता पिता है।